अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ एक इवेंट पे, ई हैंड्स वालों ने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है और ये इवेंट है ट्रांसजेंडर की कम्पेन के लिए कि किस तरह उनको राइट्स जो हैं इक्वल राइट्स नहीं मिलते, उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है। सो ये सब चीज़ें, और वो एज अ गेस्ट स्पीकर भी आएंगे और वो बताएंगे कि वो लोग क्या फेस करते हैं और इन सब सिचुएशंस के लिए क्या सोल्यूशंस होने चाहिए। वो काफ़ी कुछ एडवाइस भी करेंगे, तो चले चल के देखते हैं। क्या बताओ आज का मौसम कैसा है? आज बहुत अच्छा मौसम है, बहुत खुशगवार मौसम है। एवरीथिंग टू अवॉइड अस, टू लिसन अस, दे क्लोज देयर पेन ऑफ द कार्स, वी आर नॉट एंट्रिंग और जंपिंग इनटू योर कार, यू पीपल हेट अस, वी आर ह्यूमन, प्लीज ट्रीट अस लाइक ह्यूमन। We need humanity, we need your smile, which is more enough than anything. So, we do apologize if I have said wrong words for those. No, it's okay. Thank you very much for taking your time. मैं आज ये थोड़ा सा सवाल है मेरा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो दिल की बात है वो कह देनी चाहिए, क्योंकि कोई गलत फहमी में ना रह जाए, क्योंकि लोग तो बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और वादों पे कोई भी नहीं पूरा नहीं उतरता। जितने भी इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर रह रहे हैं, ये जितने भी कोई फ्लैटों में रह रहे हैं, कोई कहाँ भी रह रहे हैं, सब मेरे से बाद में आए हैं। 22 साल सबसे पुरानी ख्वाजा सरा इस्लामाबाद में रहने वाली मैं हूँ, और जो रंग मैंने देखे हैं एनजीओज के, देखें ख्वाजसराओं के ऊपर काम करने वालों पे, देखें सब बहाने और कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे में हमारे ख्वाजसरा ट्रांसजेंडर मजदूर बैठे हैं, लाचार बैठे हैं, बीमार बैठे हैं, जिनकी कोई हेल्प करने के लिए राजी नहीं है। ये पिछले दिनों में एक हमारी ख्वाजसरा है बन्नी चौक में रहती है, हमें किसी ने रब्ता उनका दिया कि वो आप लोगों की ख्वाजसरा है, बहुत बीमार है। कोई ख्वाजसरा बड़ी बड़ी आप लोग वीडियोस देखते होंगे कि ख्वाजसराओं की पे हम ये कर रहे हैं, और कोई कहेंगे हमने मड़ियाँ बना रखी हैं, कोई कहते हैं हम गति नशीन हैं। सबको मेरी तरफ से तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें भी वक्त दिया, हमें भी इस कामिल समझा कि हम आप लोगों में आकर अपनी बातें जो है वो शेयर करें और हम बता सकें कि हम भी इंसान हैं, और जिस तरह दूसरे लोग हक रखते हैं जीने का, हम भी उसी तरह बिल्कुल रखते हैं हक। और जहाँ इस्लाम की बात है मदरसे की, तो मैंने 22 साल जो है वो ख्वाजा सराओं में गुजारे हैं। 22 साल मैं समझती हूँ कि कम ही लोग होंगे जो 22 साल से ऊपर होंगे इन बच्चों में, तो मैंने एक उम्र इन्हीं काम में गुजार दी है। 22 साल के बाद एक ख्वाब देखा मैंने, जिस ख्वाब की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदरसे का इनिशिएटिव लिया, मदरसा बनाया ट्रांसजेंडर्स में। ऑलराइट गाइस, इवेंट जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसा था इवेंट? बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत प्रोडक्टिव था, और हमें बहुत अच्छा लगा सब गेस्ट के साथ मिलकर बात करके। या नो डाउट, लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस इवेंट, और हम लोगों को उम्मीद है कि हम आगे भी इस तरह के इवेंट्स करते रहेंगे, एंड वी लर्न थिंग्स एंड वी स्प्रेड अवेयरनेस। या इंशाल्लाह।